अल्लाम हियर इज़ मोहम्मद ऊसमान हामिद और आज हम एक और इम्पोर्टेंट टूल जो है जो कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर बार बार डिस्कस होगा उसके बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे सरफेस या सरफेस अगर हम इसके मानवी लिहाज से बात करें उर्दू मीनिंग की बात करें तो सरफेस का मतलब होता है सतह सतह आप लोग जानते हैं एक ऐसी कह लें प्लेस जहाँ आप कुछ चीज़ जो है वो रख सकें वो सतह कहलाती है लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉपरली हम देखेंगे कि ये सरफेस का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं ए सरफेस एस ऑफ आर क्यूब इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स

तो उसके अंदर आपका एक पॉइंट जो है वो जहाँ जहाँ तक जाएगा उसकी वेरिएशन होगी प्लेस टू प्लेस तो उस प्लेस को जो है आप एक प्रॉपरली जो उसकी वेरिएशन थी उसे प्रॉपरली एक ग्राफ से प्रेजेंट कर दें या यूँ कह दें कि उसका जो लोकस बनेगा या उस पॉइंट का जो रास्ता बनेगा वो पॉइंट जहाँ जहाँ जाएगा उसके एक रास्ते को हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर दें तो वो प्रेजेंटेशन जो है उस थ्री डायमेंशनल फिगर के अंदर वो जो ग्राफ है और दूसरा ये कि उस पॉइंट को जो है स्पेसिफ़िक उसके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे अलॉग एक्स एक्सेस अलॉन्ग वाई एक्सेस अलॉ जी एक्सेस अगर वो कोऑर्डिनेट्स अगेन डिफरेंट पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहे हो और यहाँ स्पेसिफिक दो पैरामीटर हैं यू और वी उन पर डिपेंड कर रहे हो तो इस सूरत में आपके पास वो जो लोकस था उस पॉइंट का इन थ्री डायमेंशनल फिगर इन आर क्यूब वो लोकस आपका उस पॉइंट का वो सरफेस कहलाता है इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं तब आपको क्लियर नेक्स्ट डेफिनेशन सरफेस की अ सरफेस इन आर क्यूब इज अ सेट ऑफ आल पॉइंट हुडीनेट्स अ सिंगल इक्वेशन एफ एट एक्स वाई जी इक्वल्स टू जीरो यहाँ भी वही बात है कि आर क्यूब के अंदर सरफेस क्या होगी तमाम वो पॉइंट्स जिन जो जिनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इस इक्वेशन एफ एट एक्स वाई जी एक्व टू जीरो को सेटिस्फाई कर रहे हूँ तो फिर इस सूरत में वो तमाम पॉइंट्स जो हैं मिलकर आर क्यूब के अंदर सरफेस कहलाते हैं ये भी वही बात है कि आपके पास जो है ए, एक आप एक स्पेसिफ़िक पॉइंट ले लें फिर इसी तरह के जितने भी पॉइंट्स हों जो इस इक्वेशन को एफ एट एक्स वाई जी को इक्वल टू जीरो को सेटिसफाई कर रहे हो तो वो तमाम पॉइंट्स जो हैं उनका मिला के आप एक सेट बना लें और वो थ्री डायमेंशनल वैल्यूज़ होंगी आपके पास वो सेट जो है मिल के आपके पास एक सरफेस बनेगा एक और डेफिनेशन देख लेते हैं ये भी बिल्कुल उसी तरह है मैंने फ़र्स्ट डेफिनेशन के अंदर क्या कहा था पॉइंट्स होज कोऑर्डिनेट्स अब आप लोगों को पता है कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मिल के उन्हें हम एज अ होल पोजीशन वेक्टर से भी प्रेजेंट कर दिया करते होते हैं तो अगर हमें जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी बजाय पोजीशन वेक्टर भी यूज़ कर लूँ तो ये फिर भी वही डेफिनेशन बनेगी अ सरफेस मे बी रिगार्डेड एज द लोकस ऑफ पॉइंट होज़ पोजिशन वैक्टर आर इन द फ्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर यू एंड वी यहाँ भी वही बात है कि अगर आपके पास जो है एक सरफेस होगी क्या एक अगर एक पॉइंट हो हम सिर्फ एक ही पॉइंट की बात कर लें अगर एक पॉइंट जिसका लोकस जिसका पाथ जिसका रास्ता या जिसकी इक्वेशन कह दें या यूं कह लें कि वो पॉइंट जहाँ जहाँ जाएगा उस प्लेस को ग्राफिकली प्रेजेंट कर दें तो अगर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है यकीनन उस पॉइंट की पोजीशन तो होगी ना अलॉग डिफरेंट एक्सेस हम चूंकि यहाँ थ्री डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं तो अलॉन्ग एक्स एक्सेस भी होगी अलॉग वाई एक्सेस भी होगी अलॉग जी एक्सेस भी होगी तो उसकी जो डिफरेंट एक्सेस uh, के अलॉग पोजिशन होगी हम उसे एज अ होल एक वैक्टर से प्रजेंट कर देते हैं जिसका नाम है आर तो अगर आपके पास एक पॉइंट का लोकस उस जिस जिसके पोजिशन वैक्टर को हम आर से प्रजेंट कर रहे हैं अगर वो दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर u और v का फंक्शन हो तो फिर इस सूरत में वो वाला लोकस जो है वो सरफेस कहलाएगा नेक्स्ट है पैरामीट्रिक कर्व्स। मैंने अभी वो बार बार जो है पैरामीटर्स की बात कर रहा था तो पैरामीटर डिफरेंट मिलके कर्व बना रहे होते हैं तो किस तरह से होगा ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन जो है वो देखते हैं वी नोट दैट एनी रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स एफ एट यू वी इक्वस टू ज़ीरो रिप्रजेंट अ करव ऑन द सर्फेस बिकॉज आर देन बिकम अ फंक्शन ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट पैरामीटर हमने पीछे देखा था कि हमारे पास कोई भी जो पॉइंट होता है उसका लोकस उसे एफ एट यू वी इक्वल टू जीरो से प्रेजेंट किया जाता है आ, आ, जो है और वो एक कर्व को किसी सरफेस के अंदर जो है वो प्रेजेंट करते हैं चूंकि अब हमारे पास आर जो है एक ही इंडिपेंडेंट पैरामीटर का फंक्शन बन जाता है अगर हम इसे इस पोजिशन इस वैक्टर से को जो है एफ एट यू भी इक्वल टू जीरो से प्रेजेंट करें तो सिर्फ़ एक ही आपके पास इंडिपेंडेंट पैरामीटर बनेगा तो फिर इस सूरत में देखते हैं कि क्या होता है इस सूरत में हमारे पास अब हम स्पेसिफिक डेफिनेशन जो है वो डिफ़ाइन करने वाले हैं प्रॉपरली बताने वाले हैं इन पार्टिकुलर दर्व ऑन द सर्फिस अलॉन्ग विच वन ऑफ द पैरामीटर्स रिमेन कॉन्सटेंट आर कॉल्ड पैरामीट्रिक पैरामीटरिकर्स अब हमने मेन डेफिनेशन के अंदर देखा था कि हमारे पास जो है वो फंक्शन दो पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा था हर एक कॉर्डिनेट जो है वो दो पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा था यू और वी तो अगर इन में से कोई एक कॉन्सटेंट रहे दूसरा वेरी करता रहे तो फिर इस सूरत में जो कर्व बनेगी कार बेसिकली का सब पॉइंट ही होता है तो जो कर बनेगी वो आपके पास पैरामीट्रिक कार कहलाएगी तो दोबारा से आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपके पास एफ एड यू भी इक्वल टू ज़ीरो हो तो ये किसी भी सरफेस पर कर को प्रजेंट करता है किसी भी सरफेस पर कार को प्रेजेंट करता है ये जीरो की इक्वल आ गए आपके पास फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन पैरामीटर इक्वल टू ज़ीरो किसी भी सरफेस पर कार को प्रेजेंट करता है और जब यह फेनामना आपके पास आ जाए तो फिर इस सूरत में आप लोगों ने यह बात जहन में रखनी कि आपके पास जो पोजिशन वेक्टर है वो सिर्फ एक पैरामीटर पर डिपेंड करेगा अब ये कैसे होता है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको प्रॉपर्ली क्लियर होगा तो पार्टिकुलरली अगर बात कर ली जाए इसी डेफिनेशन इसी जो रिमार्क है इसी को लेके तो एक कर्व जो सरफेस पर लायक आ रही हो और उसके अंदर सिर्फ एक पैरामीटर ही वेरी करे दूसरा पैरामीटर कांस्टेंट रहे तो इस सूरत में वो वाली कार या उस जैसी जितनी भी कर्व होंगी वो आपके पास पैरामीटर कार कर्व कहलाएंगी लाएंगी कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स, अब कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं ये आपको दिखाते हैं जी पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्फिस इज़ यूनिकली डिटर्माइंड बाई द वैल्यूज ऑफ़ यू एंड वी सो दैट द पैरामीटर्स यू एंड वी कॉन्स्टिट्यूट सिस्टम ऑफ कॉर्डिनेट्स विच आर कॉल्ड कर्वीलिनियर कॉर्डिनेट्स सरफेस की हमने बात की थी डेफिनेशन की कि उस सरफेस हमारे पास लोकस ऑफ अ पॉइंट होता है जो डिफरेंट पैरामीटर यू और वी पर डिपेंड कर रहा होता है तो अगर आपके पास यू और वी जो हैं वो मिल के एक सिस्टम बना दें यकी एक एक पॉइंट तो नहीं होगा ना एक सरफेस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे तो हम, मैंने एक डेफिनेशन के अंदर बताया था इन तमाम पॉइंट्स को एक सेट बना लिया जाए तो वो आपके पास सरफेस बनती है तो इसी तरह से डिफरेंट पॉइंट जो हैं वो पैरामीटर यू और वी पर डिफरेंट पैरामीटर पर डिपेंड कर रहे होंगे तो पैरामीटर्स जो हैं यू और वी वो सारे मिल एक सिस्टम बनाएंगे कॉर्डीटर्स का बिकॉज एक्स वाई जी डिपेंड्स अपान यू एंड वी वे आर एक्स वाई जी आर कॉर्डीनेट्स आफ अपोजिशन रैक्टर आर तो वो तमाम कॉर्डीनेट्स जो हैं वो यू वी पर पैरामीटर पर डिपेंड कर रहे होते हैं तो वो पैरामीटर्स जो हैं वो भी मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे उस सिस्टम को आप करविलीनियर कॉर्डीनेट्स कहेंगे मजीद एक्सप्लेनेशन अगर आप इसकी जानना चाहें तो ये फिर जो की तरफ चले जाएं या जो आपके पास मैंने कहा था कि आप वेक्टर एनालिसिस जो है प्रॉपरली उसकी तरफ चले जाएँ तो वहाँ आपको मज़ीद क्लियर होगा लेकिन यहाँ हमने जस्ट इसकी डेफिनेशन ही करनी है या चूँकि बार बार इसका जिक्र आना है कर्विलीनियर कार्डिनेट्स का तो वो क्या होते हैं ये आपको ज़रा मैंने बता दिया है अगेन बता देता हूँ कि हमारे पास सरफेस के अंदर एक वैक्टर एक पॉइंट होता है उस पॉइंट के लोकस को हम जो है पोजिशन वैक्टर से प्रजेंट करते हैं जबकि पोजिशन वैक्टर जो है उसके कार्डिनेट्स जो हैं पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं तो वो वाले पैरामीटर्स जो हैं वो मिलके एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम आपके पास कर्वलिनियर कॉर्डिनेट्स कहलाता है अब हम नेक्स्ट कर्व्स की एग्जांपल्स देखेंगे अब हमारे पास एक सरफेस आ गई एक सरफेस पर डिफरेंट टाइप्स की कर्व्स लाई कर सकती हैं अब वो कर्व्स कौन कौन सी हो सकती हैं यो वो हम जो है प्रॉपरली अब देखेंगे उनकी डेफिनेशन भी और मेन जो है जो चीज़ हमें चाहिए यहाँ डिफरेंशियल है के अंदर वो है उनकी इक्वेशंस स्पेसिफिक टाइप की इक्वेशन रिगार्डिंग डिफरेंट कर्व्स वो हम देखेंगे कि कौन सी कर्व है तो उसकी इक्वेशन कौन सी बनती है और थोड़ा बहुत उसकी फ़िगर को भी देख लेंगे कि एक कर्व अगर है तो उसकी फ़िगर कौन से वाली होगी सबसे पहले हम बात करते हैं सफ़ेयर की एक तरह की सरफेस ही है आ, पहले हम जो है इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन देखेंगे और फिर इसकी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हम बनाएंगे बाय यूजिंग दैट पैरामीट्रिक वैल्यूज देखते हैं जी द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द सफेयर विद सेंटर एट ऑरिजन एंड रेडियस ए आर एक्स इक्वल टू एन टी था कॉज वाई a sin एस sin साइन and एंड जी एक्व a एस ठिता हमारे पास कॉर्डिनेट्स की पैरामीट्रिक वैल्यूज़ जो दी गई हैं x, वाई और जी की इन्हें मिलाकर हम सफ़ेयर बनाते होते हैं ये सफ़ेयर की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं एक तो ये आप लोगों ने प्रॉपरली तैयार कर लेनी है और अब इन्हें पैरामीट्रिक वैल्यूज़ को यूज़ कर हम एक सफ़ेयर की जो इक्वेशन है जनरल वो बनाते हैं कि किस तरह से होगी आप लोग क्या करें कि ये जो कॉर्डिनेट्स की वैल्यूज़ दी गई हैं एक्स वाई जी इन्हें सकेर करें और फिर से हम अपार दें एक्स सकेर प्लस वाई सकेर प्लस जी सकेर एक्स वाई जी की वैल्यूज़ को जो है आप उनका सकेियर दें ये देखिएगा जी हमने एक्स की वैल्यू का सकेियर दिया ये हमारे पास बन गया ए साइन टीथा काज फाई का सकेियर इसी तरह से वाई की वैल्यू का सकेयर दिया ये बन गया ए साइन टीता साइन फाई इसका सकेियर और फिर Z की वैल्यू का स्कील दिया तो ये बन गया हमारे पास का कास्टिता होल स्केल और फिर हमने इन्हें ऐड कर दिया एड करने के बाद हम इन्हें अरेंज करेंगे फर्स्ट टू वैल्यूज़ जो हैं फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से आप देखें जब इन्हें सेपरेट करेंगे तो ए साइन ठीता दोनों में कामन आ रहा है उसका सकेयर जो है तो ए साइन थीटा का सकेयर आपने कामन ले लेना रिमेनिंग्स आपके पास काज फ़ाई और साइन फाई का सकेयर और इनका समेशन आ जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे और लास्ट टर्म जो है एज़ इट इज़ आएगी ए काज थीथा इसका सकेयर और आप जानते हैं कि साइन सकेयर और का सकेयर इन्हें ऐड करें तो आपके पास आइडेंटिटी बनती है वो वन की इक्वल आता है तो ये वाला जो है फैक्टर वन होने के बाद आपके पास रिमेनिंग आएगा ए साइन टीता होल सकेयर प्लस ए कास्टीता होल सकेयर अगेन उसमें से भी एक्केयर कामन आ सकता है तो ए सकेर हमने कामन ले लिया और रिमेनिंग्स आपके पास साइन ठीकता होल सकेर प्लस कास्ट ठीक होल सकेर या यूँ कह लें कि साइन सकेयर टीता प्लस कास्ट सकेर ठीकता आएगा वो वन की इक्वल होता है तो फिर आपके पास जो सफेयर की इम्प्लिसट फॉर्म है मीन जनरल इक्वेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी एक्सकेर प्लस वाई सकेयर प्लस जी सकेयर इक्वल्स ए सकेयर के नेक्स्ट हमारे पास एक और सरफेस है एलिप्सॉइड इसकी सबसे पहले हम जो है वो आ, देखते हैं कि कौन सी इसकी इक्वेशन बनेगी और फिर इसके बाद इसकी फिगर जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द एलिप्सॉइड आर एक्स इक्व ए कॉस थीटा कॉस फाई वाई इक्व टू बे कासठीथा साइन फाई एंड जी इक्व टू सी साइन ये हमारे पास एलिपसॉइड की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं अब हम क्या करते हैं कि इन में से जो थीटा और फाई की वैल्यूज़ एलिमिनेट लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनेगी वो आप लोगों के सामने है एक्स सकेर ओवर ए सकेर प्लस वाई सकेर ओवर बी सकेर प्लस जी सकेर ओवर सी सकेर इक्वल टू तो वन विच इज़ द इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी लेफ्ट साइड की इक्वेशन की बाकी प्रोसीजर आपके सामने है आप क्या करें एक्स वाई जी वैल्यू को सिक्यर करें सिक्योर करके साम आप करें और फिर अरेंज भी कर लें ये जो आपके सामने प्रोसीजर है कि एक्स सिक्यर है वो ए सकेर विध मल्टीपल ऑफ सम वैल्यूज़ का सिकयर होगा तो उसमें से ए सकेर आपने एक्सकेर के नीचे डिवाइड कर देना इस तरह से वाई सिकयर के नीचे बी सकेर डिवाइड कर देंगे जी सिकयर के नीचे जो है वो सी सकेर डिवाइड करके फिर इन्हें आप ऐड कीजिएगा जब ऐड करेंगे आपके पास पासवान की इक्वल आ जाएगा तो ये एलिपसाइड की इक्वेशन है और ये अगर बार बाद में जिक्र आया एलिपसाइड का तो ये वाली इक्वेशन आप लोगों ने यूज़ करनी है एलिपसाइड की जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट मैं एक और भी आपको फिगर दिखाता हूँ ये देखिएगा जी एलिपसाइड इस टाइप की होती है सेकंड फिगर आप देखें तो एलिपसाइड की जो प्रॉपर फिगर है वो सेकंडली आप देख लें लेकिन फ़र्स्ट फिगर में इसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि किस तरह से एलिपसाइड अगर ड्रा करना पड़ जाए तो इसकी थ्री जो है दी आप इसे इस तरह से ड्रा करते हैं कि आपके पास एक तरह से जो है एलिप्टिकल फिगर बनती है मतलब एलिप्स से मिलती जुलती है आ, तो ये आप लोगों ने प्रॉपरली जो है दोनों फिगर्स भी जहन में रखनी है क्योंकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ज़िक्र हुआ एलिप्साइड का तो एक तो इक्वेशन आप लोग के जहन में होनी चाहिए और दूसरा इसकी फ़िगर नेक्स्ट हमारे पास है पैराबोलाइड ये भी एक तरह से जो क्या कहते हैं कि हमारे पास एक सरफेस होगी इसकी हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सी बनती है और फिर इसकी फ़िगर भी डिस्कस करेंगे असर फिस इन आर क्यूब डिफाइंड बाई द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स सकेर ओवर ए सकेर प्लस वाई सकेर बी सकेर इक्व टू सी जी इस कार्ड एलिप्टिकल पैराबुलट ये हमारे पास एक तरह की एलिपसी है एलिप्टिकल फार्म ही है लेकिन स्पेसिफिक है चूंकि इसे एलिप्टिकल पैराबुलट कहेंगे और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों के सामने आ रहा है एक तरह से जैसे बाउल होता है उससे मिलती जुलती फिगर है और इसकी प्रॉपर फिगर देखें तो ये आप लोग के सामने आ रही है सेकेंड फार्म देखें फिर फर्स्ट फार्म भी आप लोग प्रॉपर दी देख लें कि इसमें आपके पास एक्सेस किस तरह से आप लोगों ने ड्रा करने हैं और इसकी फिगर किस तरह से बनानी है जनरली हमारे पास अगर क्वेश्चन के अंदर ये आई भी सही तो इसकी इक्वेशन आप लोगों ने यूज़ करनी है लेकिन फिर भी आप इसकी जो फिगर है ये दोनों जहन में रखिएगा फर्स्ट फिगर इसका स्ट्रक्चर है सेकेंड जो है प्रॉपर फिगर आप लोग के सामने नजर आ रही है नेक्स्ट हमारे पास है सफ़ेयर असरफ सि आर क्यूब डिफाइंड बाई द इक्वेशन ऑफ़ द फॉर्म एक्स सकेयर प्लस वाई सकेर प्लस जी सकेर प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जी प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। आफ्टर अरेंजिंग इट एक्स माइनस एच होल सकेयर प्लस वाई माइनस के होल सकेयर प्लस जी माइनस आई होल सकेर एक आर सकेयर इज कॉल्ड अ सफेयर तो सफ़ेयर का जब जिक्र आएगा तो आप लोगों ने प्रॉपर इसकी जो फॉर्म्स हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म वो यहाँ जो है वो आप लोग देख लें इसे जो है वो याद भी कर लें तो इन जब सफेयर का जिक्र करेंगे तो बार बार ये वाली क्वेश्चन हम यूज़ करेंगे इसकी जो है फ़िगर भी आप लोग देख लें सफेयर आप लोगों के सामने शो हो रही है ये थ्री डायमेंशनल फिगर है जी और इसके जो क्या कहते हैं प्रोजेक्शन वो भी आप लोग के सामने आ रहा है अगर एक्स है तो उसकी प्रोजेक्शन एक्स प्राइम होगा वाई है तो वाई प्राइम जी है तो जी प्राइम और जब वाई जी प्लेन होगा तो एक्स ज़ीरो होगा इसी तरह से जो है आप लोग के पास एक्स वाई प्लेन होगा तो जी ज़ीरो जी होगा इसी तरह से आप लोग जो है अपने मुताबिक इसे अरेंज काट सकते हैं तो सफ़ेर की फ़िगर आप लोग नोट कर लें ये भी आगे यूज़ होगी नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। अ सरफेस इन आर क्यूब डिफाइंड बाय द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स एक्सकेयर ओवर ए सकेर माइनस वाई सकेर ओवर बी सकेर एक टू सी जी इस कॉल्ड हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। पहले हमने एलिप्टिकल पैराबोलाइड की बात की थी तो वहाँ जो है एक्स अकेर ए सकेर वाई सकेर बी सकेर के बीच में प्लस आया था यहाँ माइनस साइन है तो ये भी आप लोगों ने प्रॉपरली जो है वो जहन में रखना है कि जब आपके पास इप्टिकल पैराबोलाइड होगा तो बीच में प्लस होना है जब हाईलिक पैराबोलाइड होगा तो बीच में माइनस होना है इसका स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने आ रहा है और इसकी प्रॉपर फिगर जो है ये एक तरह से एक एक जो है आपके पास थिन लेमना टाइप बनेगा फिगर है और इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग नोट कर लें कि इसे किस तरह से अगर ड्रा करना आ जाए तो किस तरह से आप लोगों ने ड्रा करना है तो ये ज़रा इसकी फ़िगर प्रॉपरली नोट कर लें ये जहन में बिठा लें आगे इसके लिए यूज़ होना है इसके बाद है हाइपर बुलाइड भी एक तरह से हमारे पास सरफेस होगी कौन से वाली होती है ये भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ अ सरफेस इन आर क्यूब डिफाइंड बाई द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स सकेर ओवर ए सकेियर प्लस वाई सकेर ओवर बी सकेर बट विद माइनस जी सकेर ओवर सी सकेर इक्वल्स टू वन एक या दूसरा इसकी एक इक्वेशन बन सकती है एक्स सकेर ओवर ए सकेर प्लस वाई ओवर बी माइनस जी ओवर सी इक्वल्स माइनस वन इस कॉल्ड हाइपर बुलाईड तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म जो हैं वो आप लोगों ने जैन में रखनी है अब एक के साथ प्लस क्यों आया है एक के साथ माइनस क्यों आया है तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग नेक्स्ट देखें हाइपर बुलाइड डिफाइंड बाई द फर्स्ट इक्वेशन विद इक्वस टू प्लस वन इज कॉल्ड हाइपर बुलाइड ऑफ वन शीट इसकी जब फिगर ड्रा करेंगी तो सिर्फ एक शीट बनेगी एंड हाइपर बोलाइड डिफाइंड बाई द सेकेंड इक्वेशन विद इक्व टू माइनस वन दैट वॉज इस कार्ड हाइपर बुलाईड ऑफ टू शीट ये जो है वो हाइपर बुलाईड टू शीट्स की कहलाएगी इसकी फ़िगर भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ ये देखिएगा जी हमारे पास जो ए, वन शीट की हाइपर बुलाईड है वो एक इस तरह से बनेगी जो आपके पास फिगर शो हो रही है इसकी अगर प्रॉपर ग्राफिक्स की बात की जाए स्ट्रक्चर मैंने बताया और इसकी प्रॉपर ग्राफिक आप लोग के सामने आ रही है जिस तरह से डम होता है इसी तरह से फिगर बनेगी अब अगर हम इसकी दो शीट बना दें ये तो एक शीट है ना अगर बीच में से हम इसे काट दें तो हमारे पास हाइपरब सेकेंड टाइप की बनेगी जो आपके सामने शो हो रही है अगर बीच में से इसे जो है वो कट कर दिया जाए तो ये सेकेंड फार्म बनेगी इसका प्रॉपर फिगर देख लें जी ये जो फर्स्ट फिगर थी डम था उसे बीच में से हमने काट दिया है तो दो अलग सी शीट्स बन गई हैं तो ये हाइपर बलॉक ऑफ सेकेंड शीट या टू शीट्स बनेगी इसके बाद हमारे पास इलिप्टिकल कौन सरफेस इन आर क्यूब डिफाइंड बाई द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स ओवर ए सकेर प्लस वाई सक्योर ओवर बी टू सी जी वे आर सी ग्रेटर देन जीरो मीन सी विल बी पॉजिटिव इस कार्ड एन इलिप्टिकल कौन इसकी फिगर आपको मैं बता देता हूँ जी ये कौन आप लोगों ने देखी हुई है तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने आ रहा है या प्रॉपर इसकी फिगर देखें तो ये आप लोगों के सामने आ रही है जी ये कौन कहलाती है कौन की इक्वेशन अगर यूज़ हुई तो देख लेनी है पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कौन अभी हमने कौन देखी है इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन देख लेते हैं कौन से वाली बनेंगी द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कौन आर एक्स इक्व टू म्यू साइन फाई कॉस आई वाई इक्व टू म्यू साइन फाई साइन साई एंड जी इक्वल्स टू म्यू काज फाई म्यू कॉन्स्टेंट है कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हैं और जो है आप लोगों के सामने ये आ रहा है इसकी इक्वेशन को अगर हम ड्रा करें तो एक्स सकेर प्लस ए सकेर जो है दोनों वैल्यूज़ को सिक्र करें ऐड करें तो ऐड करने के बाद इसमें से आप लोग के पास म्यू साइंस साइज फाइ जो है वो कामन आ जाएगा उसका सिक्र बाकी जो है वो आप लोगों के पास सॉल्व करने के बाद देखते हैं जी क्या बनेगा जो है आपके पास वो बनेगा यहाँ से का साई साइनस का सकेर जो है सकेयर और ऐड करें वन की इक्वल आता है तो जरमेनिंग आपके पास म्यू साइन फाइ आएगा इसका का सकेर साइन फाई है आप हम फार्मूला कंप्लीट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे काज फाई से यकीनन स्कीयर होगा का सकेर फाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं फिर क्या बनता है नेक्स्ट देखते हैं जी साइन साइनफाई और कास्फाई टेन बनता है स्केयर्स हैं तो ये आपके पास ही म्यू टेन स्केयर स्केयरफाई बनेगा साथ में स्केयर स्केरफाई आ जाएगा तो अब आप क्या करें थोड़ा अपनी आसानी के लिए जो है म्यू स्केयर और का स्केरफाई को जी स्केयर का नाम दे दें तो एक्स स्केर प्लस वाई सकेर एक टू तो जी सकेर टाइन स्केरफाई जो है जो पीछे बात की थी एक्स सिक्यर प्लस वाई सिक्यर इक्व टू जी सिक्योर टेन सिक्योर फाइव जो है वो हमारे पास लिप्टिकल कौन की डेफिनेशन बनती है एक पैरामीटिक्वेसन बनती है तो वो आप लोगों ने प्रॉपरली वो जहन में रख लेनी है अब बात करते हैं प्लेन की वेरी सिंपल जब हमारे पास थ्री डायमेंशनल की बजाय टू डायमेंशनल फिगर आ जाए एक एक्सेस जो है वो ज़ीरो काट दिया जाए तो वो हमारे पास प्लेन प्लन कहलाता है देख लेते हैं जी असरफेस होती सरफेस ही है लेकिन उसमें से एक कार्डिनेट जो है वो हम ज़ीरो काट दें एक एक्सेज ज़ीरो काट दें तो वो हमारे पास प्लेन बन जाएगा असरफेस जी एक्वल टू ज़ीरो रिप्रजेंट एक्स वाई प्लान सेम अगर एक्स ज़ीरो काट दें तो वो वाई जी प्लन होगा सिमिलरली अगर हम वाई ज़ीरो दें तो वो एक्स जी प्लन होगा ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई से अरेंज कर सकते हैं इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं जी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई जी सेटिसफाइंग अ लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी एक टू जीरो वे आर ए बी सी आर नॉट आल जीरो डिटरमाइंस अ लीनियर सरफेस कॉल्ड अ प्लेन। इसे प्लेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी ये हम देखें the set of all points xyz satisfying a linear equation ax square plus by square plus cz square plus fyz plus gxz plus hxy plus ux plus vy plus wz plus k equals to zero where abc a b c f g also are not all zero determine a quadratic surface ये एक आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक सरफेस बनेगी तमाम पॉइंट्स मिल के एक्स वाई जी होने चाहिए फिर वो इस अगर इस इक्वेशन को सेटिसफाई कर देते हैं तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी इसकी सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स के अंदर दी गई हो फिर वो ऊपर वाले फिनना को सेटिसफाई भी कर रही हो तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है फॉर एक्जाम्पल एक्स सकेयर प्लस वाई प्लस जी वन की इक्वल है तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन कहलाएगी डी जनरेट सर्फिस इसका भी जिक्र होगा अगर डिफरेंशियल जोमेट्री के अंदर तो ये आप लोग देख लें कि क्या होती है डी जनरेट सर्फिस इफ़ ए एक्स स्केर प्लस बी वाई स्केयर प्लस सी जी स्केर प्लस एफ वाई जी प्लस जी एक्स जी प्लस एच एक्स वाई प्लस यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जी प्लस के इक्वल टू जीरो टू लीनियर इक्वेशन डिफाइन अ पेयर ऑफ प्लेन्स एंड दैन सर्फिस का डी जनरेट सर्फेस अभी जो पीछे हमने जिक्र किया था इस इक्वेशन का भी अगर हम उसे इस तरह से फैक्ट्राइज़ करें कि हमारे पास दो लीनियर फंक्शन बन जाएँ और पलेंस का एक पेयर बन जाए तो फिर इस सूरत में ये वाली सर्फिस जो है डी जनरेट कहलाती है समिट्री ये, ये इसका भी ज़िक्र होगा तो बड़ा सिंपल सा जो है लफ्ज़ आपने बार बार जो है पढ़ा भी होगा समिट्री इसका समिट्रिक वे के अंदर जो है कि अगर एक के अंदर चेंज लाया जाए फिर उसकी साइन चेंज कर दिया जाए एक वेरिएबल का फिर एक वेरिएबल है हमारे पास उसका साइन चेंज कर दिया जाए चेंज कोई ना हो तो समेट्रिक कहलाता है प्रॉपरली देख लेते हैं जी अ सरफेस इज समेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई जी प्लेन इफ इज इजेंज व्हेन एक्स इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स आल्सो सरफेस विल बी समेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स इज इफ़ इट्स equation is unchanged when x is replaced by minus x and y is replaced with minus y a surface is symmetric with respect to its origin if its equation is unchanged when x is replaced by minus x y is replaced by minus y and z is replaced with minus z तो ऐसी questions इनके अंदर आप uh, simple मैं आपको बता देता हूँ चलिए इसके example अभी पढ़ने पर मैं आपको इसकी डेयर करता हूँ फ़ॉ एग्जाम्पल द इक्वेशन एक्स सकेियर प्लस वाई सकेर प्लस जी सकेर इक्वल टू ए सकेियर इस सीमेट्रिक अबाउट ईच कॉर्डिनेट प्लान अबाउट ईच एक्सेज एंड अबाउट ईच ऑरिजन समिट्री क्या है आपके पास एक फैनना एक एक्सप्रेशन दे दें अगर आपके पास उस एक्सप्रेशन के अंदर आप उसके जो कॉर्डिनेट से इन्वाल्व हो रहे हैं अगर आप उनका साइन चेंज कर दें फिर भी कोई उस पे जो है उसमें चेंज ना आए उस उसमें कोई फ़र्क ना पड़े उस इक्वेशन एक, के अंदर तो वो समेट्रिकल फैनमा कहलाता है या वो वाली इक्वेशन इक्वेशन कहलाती है या वो वाला एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन कहलाता है ये आपके सामने शो भी हो रहा है कि एक्स सकेयर प्लस वाई सकेियरयर प्लस जी सकेयर इक्वल ए सकेियरयर है एक्स की जगह आप माइनस पुट कर दें स्क्वायर होने की वजह से फिर उस पर कोई चेंज नहीं आएगा वाई की जगह या जी की जगह माइनस वाई माइनस जी पोर्ट का दें फिर भी उनमें कोई चेंज नहीं होगा डी टू स्क्वायर सो so, ये फनामना आपके पास समिट्री कहलाएगा या समेट्रिक कहलाएगा तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि जब समिट्रिक का जिक्र आएगा तो वहाँ मतलब ये होगा कि कार्डिनेट पर कोई जो है वो आपके पास उसके साइन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ट्रेस एंड इंटरसेप्ट अब ट्रेस क्या होता है या इंटरसेप्ट क्या होता है ये आप देखें जी इफ अ कार्डिनेट एक्सेज अ सरफेस सच अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ कॉल्ड इंटरसेप्ट अगर हमारे पास एक सरफेस है और उस पर जो डिफरेंट कार्डिनेट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें उस सरफेस को भी इंटरसेक्ट करें तो फिर जहाँ वो इंटरसेक्शन होगी ना वो वाला पॉइंट आपके पास जो है इंटरसेप्ट कहलाएगा मस्ता जो है फिगर तो मैं नहीं बना सका आप जो है वो जैन में ले, ले लें एक्स वाई कार्डिनेट हैं एक्स बाई कार्डिनेट एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ जो है वो एक दूसरे को कट करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो आपके पास इंटरसेप्ट कहलाएगा इसी तरह से ट्रेस ऑफ सरफेस क्या होता है द सेक्शन ऑफ सरफेस इंटरसेक्टेड बाय अ कार्डीनेट प्लेन इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ द सरफेस इन दैट प्लेन आपके पास एक सरफेस है उस सरफेस को अगर एक प्लेन जो है वो इंटरसेक्ट करता है तो फिर वो वाला प्लेन जो है उस के अंदर वो वाला सेक्शन जो है जिसको उस प्लेन ने सरफेस के के जो है वो उस सेक्शन जो है वो आपके पास सरफेस का जो सेक्शन था प्लेन ने उसे इंटरसेक्ट किया तो वो वाला सेक्शन जो है वो उस प्लेन के अंदर सरफेस का ट्रेस कहलाएगा दोबारा से बता देता हूँ सेक्शन ऑफ़ सरफेस इंटरसेक्टेड बाई अ कॉडीनेट प्लन इज कॉल ट्रेस ऑफ द सर्फेस इन दैट प्लिन आपके पास एक सर्फिस है उस पर एक प्लेन आप जो है वो ड्रा करते हैं वो इसे इंटरसेक्ट करेगा यकीन तो जिस जिस सेक्शन को उसने इंटरसेक्ट किया तो सरफेस का वो वाला सेक्शन जो है वो ट्रेस ऑफ द सरफेस कहलाएगा वो सरफेस का ट्रेस कहलाएगा एग्जांपल देखते हैं फिर आपको क्लियर होगा जी अ हाइपरबोलाइड टाइप सरफेस एक हम हाइपरबोलिक जो हमारे पास सरफेस है उसकी एक ले लेते हैं एक्स सकेर प्लस वाई सकेर माइनस जी माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो अब जब वाई जी प्लें होगा तो एक्स जीरो हो जाएगा तो आपके पास फिगर जो है वो रिड्यूस होकर आ जाएगी वाई सकेर माइनस जी सकेर इक्वल टू जीरो के विच आर टू स्ट्रेट लाइन एज वाई इक्व टू प्लस माइनस जी और ये दोनों स्ट्रेट लाइन बनेंगी वाई माइनस जी वाई प्लस जी अब करने के बाद आपके पास वाई इक्व टू प्लस माइनस जी आएगा तो इसका ट्रेस क्या होगा एक्स जी प्लैन के अंदर एक्स जी प्लान के अंदर जो है आपके पास इसका ट्रेस एक्स सकेर माइनस जी माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो होगा जो कि हाइपरबोला है एक्स वाई पलेन के अंदर क्या होगा आपके पास एक्स से कैर प्लस वाई से माइनस टू एक्स इक्वल जीरो हो जाएगा जो कि सर्कल है देखिए एक्स जी प्लान था तो वाई ज़ीरो काट दिया एक्स वाई पलेन था तो आपने जो है जी ज़ीरो काट दिया और इसके इंटरसेप्ट क्या होंगे ज़ीरो और टू ये इसके इंटरसेप्ट कहलाएंगे और वाई इंटरसेप्ट जो है इसका ज़ीरो कहलाएगा और जी इंटरसेप्ट जो है वो इसका ज़ीरो ही बनेगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपको प्रॉपरली क्लियर होगा और अगर आप मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो एक तो आप अपने जो टीचर्स हैं उन्हें उनसे प्रॉपर गाइडेंस लें और दूसरा जो मैंने बुक्स रिकमेंड की थी वो देख लें और अगर आप मज़द इसके हवाले से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो फिर मेरे नोट्स जो हैं वो भी आप लोग प्रॉपरली जो है वो रीड आउट कर लें उन्हें प्रॉपर पढ़ें और उनसे भी गाइडेंस लें और फिर मैं मेन जो वही काम है कि आप अपने टीचर्स से जो है वो रा रखें उनसे प्रॉपर गाइडेंस लें और फिर आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। खुद भी सर्च कर सकते हैं